ईस्ट पॉइंट स्कूल गुलाबबाड़ी में अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। गुलाबबाड़ी स्थित ईस्ट पॉइंट स्कूल में अभिभावकों ने फीस वसूलने को लेकर स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार द्वारा निजी स्कूलों को फीस नहीं लेने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जब अभिभावक अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते अपने बच्चों को टीसी निकलवाने स्कूल गए तो स्कूल द्वारा 3 महीने की फीस मांगी जा रही है, जिसको लेकर आज अभिभावकों ने गुलाबबाड़ी स्थित ईस्ट पॉइंट स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं स्कूल की मनमानी सूचना मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी स्कूल में पहुंचे और स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर मंत्री आशुराम डुकिया ने बताया कि निजी स्कूलों द्वारा मनमानी करके अभिभावकों से फीस वसूली जा रही है, जिसको लेकर वे शिक्षा मंत्री को अवगत कराएंगे और कलेक्ट्रेट पर कलेक्टर को ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी आज एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर के कार्यकर्ताओं को महानगर को यहाँ के 5 से 10 अभिभावकों अजमेर शहर के अभिभावकों द्वारा सूचना मिली कि ईस्ट पॉइंट स्कूल के अंदर जो यहाँ के प्रिंसिपल सर मनमानी कर रहे हैं और एक तो 100 रुपये जो टीसी के साथ वसूल रहे हैं और एक जो टीसी नहीं काट रहे हैं तो उनके साथ 3 महीने की और टीसी काटने के नाम पर ऑनलाइन फीस के नाम पर 3 महीने की फीस वसूल रहे हैं और एक तरह का जो फर्जीवाड़ा ये सामने आया है आज हमारे सामने। हमने प्रिंसिपल सर से आके बात करने की कोशिश की और प्रिंसिपल सर हमें उन्होंने अभी जो वो झूठ बोल रहे हैं 1 घंटे में आ रहे हैं, 1.5 घंटे में आ रहे हैं और अभिभावक लोग 10 से 15 दिन से इनसे रोज़ आ रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं, इन्होंने टीसी नहीं काटी, एक तरह का ये फर्जीवाड़ा है। हमने पूरा मामला अवगत करवा लिया और उनको भी मैनेजर साहब और कॉलेज स्टाफ को बता दिया है। उन्होंने कहा प्रिंसिपल साहब से बात कर लेंगे, अगर ये मामला नहीं हुआ तो एबीपी कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करेगी, शिक्षा मंत्री जी को पूरा मामला समझाएगी और उनका भी नहीं हुआ तो उनका घेराव करेगी। और हम लोग बताना चाह रहे हैं कि ये जो प्राइवेट स्कूल जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये ऑनलाइन क्लासों के नाम पर जो 3 महीने की फीस वसूलना, टीसी काटने के नाम पर 3 महीने की फीस वसूलना और 100 रुपये फीस रिसिप्ट, टीसी काटने की 100 रुपये फीस की रिसिप्ट और नहीं दी, तो एक तरह फर्जीवाड़ा है, इसका पूरा लेकर हम आगे विरोध प्रदर्शन करेंगे। आशुराम डुकिया महानगर मंत्री एबीवीपी। क्या समस्या आ रही है? मैं सर यहीं पास में रहता हूँ, मेरी समस्या ये इस पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो राधा रानी गार्डन के सामने गुलाबबाड़ी में है, मैं मेरे बच्चों को यहाँ से निकलवाना चाहता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और अभी 2-3 महीने से मेरी टांग में लगी हुई है तो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है। मैं यहाँ टीसी लेने आता हूँ, 15-20 दिन से मेरे को चक्कर कटा रहे हैं, कल आज आना कल आना, फिर 100 रुपये दे के हमने टीसी भी एप्लीकेशन भी जमा करा दी, फिर ये एंड में बोलते हैं 9 तारीख को हमारे को, कल नहीं 3 महीने की जमा कराओ तो हम आपको टीसी देंगे। अब 3 महीने की हम किस तरीके से जमा कराना है, और ज़्यादा बोलते हैं तो हमारे को धमकी और देते हैं, कल तुम्हारे बच्चे का ना पिछले साल का रिजल्ट बेकार कर दूंगा मैं, भविष्य खराब कर दूंगा 1 साल का, ऐसे ऐसे और ये देते हैं। हमारे बच्चे पढ़ने वाले में तेज़ है, क्या परेशानी आ रही है ऐसे? ये हमारे को टीसी नहीं दे रहे सर, हम दूसरे स्कूल में सरकारी स्कूल में कराना चाहते हैं। अच्छा, ये टीसी क्यों नहीं दे रहे, इनको पैसे मांग रहे हैं? 3 महीने की फीस मांग रहे हैं। अब ये किस बात की फीस मांग रहे हैं, मैं हम यही तो बोल रहे हैं, ये राजस्थान सरकार का ऑर्डर आया, इसमें स्थगित बोली गई है 6 महीने के लिए, 3 महीने फिर 3 महीने कंटिन्यू, वो स्थगित इसलिए बोली गई है क्योंकि वो कंटिन्यू बच्चे हैं। रेगुलर बच्चों के लिए आप 6 महीने 8 महीने तक दुखी नहीं करोगे, पर हम तो पढ़ाने नहीं चाहते, तो हमारे को तो टीसी चाहिए, तो हम इसमें 3 महीने की किस बात की फीस दें मैम? नरेंद्र सिंह बागड़ी।